गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी स्किन देखो, कर रही है ना ग्लो। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आपकी स्किन एकदम ब्राइटन अप होने वाली है और लिटरली ग्लो करने वाली है। इससे आपकी सारी समर टैन हटने वाली है। और अगर आपके फेस पे कंसर्न्स है लाइक डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स एंड पिगमेंटेशन, तो ये उस पे भी वर्क करने वाला है। साथ ही साथ ये वर्क करने वाला है आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पे भी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये DIY फेस मास्क जिसने मुझे ऐसा ग्लो दिया है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। फेस मास्क प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून रोज पेटल पाउडर और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर। अब इन तीनों पाउडर्स को हमने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर तीनों पाउडर्स मैंने हर्बल विला के लिए हैं, बहुत ही फाइन पाउडर्स हैं ये। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने लिया है ऑर्गेनिक नेत्रा का। दिस एलोवेरा जेल इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टीस्पून एलोवेरा जेल की। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो मैं लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ रोज वाटर। रोज वाटर है न्यूट्री ऑर्ग का। यहाँ पर मैं रोज वाटर भी अप्रोक्सीमेटली 3 टीस्पून ही ले रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा फेस पैक हो जाएगा रेडी। सो फेस पैक हमारा रेडी हो चुका है। मैं फेस मास्क कैसे अप्लाई करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ अपनी फिंगर्स की हेल्प से। फर्स्ट लेयर में हमेशा अप्लाई करती हूँ मसाज करके। सो अच्छे से मसाज करती हूँ मैं फेस मास्क को अपनी स्किन में। पूरे फेस पे मैं इसको ऐसे पहले मसाज करती हूँ। और फिर मैं अप्लाई करती हूँ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर मैं इसके ऊपर ऐसे ही कोट कर देती हूँ। सो दैट इज हाउ आई अप्लाई एवरी फेस मास्क। पूरा फेस मास्क अप्लाई होने के बाद मैं इसे अपने फेस पे अराउंड 10 मिनट्स के लिए रखती हूँ। और 10 मिनट्स में जब ये सेमी ड्राई हो जाता है तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इस फेस मास्क को निकालने के लिए रोज वाटर अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ और फिर टाइल की हेल्प से इसको रिमूव कर रही हूँ। बट आपको ऐसे नहीं करना है, ये मैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए कर रही हूँ। आपने नॉर्मली 10 to 15 मिनट्स मास्क को अपने फेस पे रखने के बाद वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। से अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो देखा आपने कैसे मास्क हटाते ही इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो जाती है स्किन। इसका भी ये रीजन है। इस मास्क में जो मैंने यूज किया था ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर एक रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो हमारी स्किन में कोलाजन और इलास्टिन फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है ब्यूटिफुल स्किन। नॉट जस्ट दैट, ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो पोर्स को अनक्लॉक करता है, ब्लैक हेड्स रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और फर्म बनाता है। साथ में इसमें मैंने ऐड किया था रोज पेटल पाउडर। रोज पेटल पाउडर भी हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है, प्लस ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है जो इस वक्त आपको मेरे फेस पर दिख रहा है। साथ ही साथ ये स्किन इन्फ्लेमेशन को सूथ करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट जो मैंने यूज किया है वो किया है मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्सेस ऑयल, डर्ट, स्वेट सबको स्किन से रिमूव करता है और हमारी स्किन को इनसाइड आउट अच्छी तरह से क्लीन करता है। ये जो तीनों पाउडर्स हैं, ये तीनों अमेज़न पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही चीप रेट्स पे रहते हैं। तो मैं इन तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस और नॉट। अच्छा जी, इन तीनों पाउडर्स के बाद मैंने ऐड किया था एलोवेरा जेल। ये वाला जो एलोवेरा जेल मैंने इस मास्क में ऐड किया था ना, ये नॉर्मल एलोवेरा जेल नहीं है। ये एलोवेरा जेल है जिसमें विटामिन ई और विटामिन सी इन्फ्यूज है। तो
देख सकते हैं आप। सो अगेन इस एलोवेरा जेल में जो हमारा विटामिन सी है वो हमें एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। जब से मैंने ये जेल अपने फेस मास्क में ऐड करना शुरू किया उसके बाद मैं अपने फेस मास्क में कभी भी नॉर्मल एलोवेरा जेल नहीं डालती। अगर आप ये टब देखेंगे तो मैं एक मिनट, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। काफी पसंद आया मुझे ये एलोवेरा जेल, इसीलिए बिकॉज ये खत्म होने वाला था मैं ऑलरेडी इसका एक नया टब ऑर्डर कर चुकी थी। तो ये ऐसा एलोवेरा जेल है जो मेरे फेस मास्क के लिए एक गेम चेंजर निकला, बिकॉज जब भी मैं इसे अपने फेस मास्क में ऐड करती हूँ तो मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो ऑलवेज एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग मिले हैं, इसलिए आई लव दिस एलोवेरा जेल। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब जो लास्ट चीज मैंने ऐड की थी वो मैंने किया था रोज वाटर, दिस इज वन वेरी नाइस रोज वाटर। तो अगर आप ये भी परचेज करना चाहते हैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस रोज वाटर की प्लस बात यह है कि ये ग्लास बॉटल में आता है जो मुझे बहुत पसंद है। जो भी प्रोडक्ट्स ग्लास बॉटल्स में आते हैं आई लव देम। सो या ये थे हमारे इस फेस मास्क के सभी इंग्रेडिएंट्स। अभी बात कर लेते हैं कि इस मास्क को अप्लाई कैसे करना है। ड्राई स्किन वाले इसको ट्वाइस अ वीक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप 2 to 3 times a वीक इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फेस मास्क आपने हमेशा क्लेंस्ड फेस पे अप्लाई करना है, 10 to 15 minutes के लिए रखना है और उसको पूरा ड्राई नहीं होने देना होता। जब सेमी ड्राई होता है ना, आधा गीला आधा सूखा, तब आपको अपना फेस मास्क वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद टोनर यूज कर सकते हैं। तो मैंने आज यूज किया था अर्बन बोटानिक्स का रोज वाटर, ये भी अगेन 100% प्योर रोज वाटर है। ये स्प्रे बॉटल में है इसलिए मास्क हटाने के बाद मैंने ये यूज किया था एज अ फेस मिस्ट। इसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे ताकि स्किन ज्यादा ड्राई ना हो। वैसे इस फेस मास्क के बाद स्किन ड्राई नहीं होती है बिकॉज इसमें मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया था, तो इसीलिए हमारा स्किन इतना ड्राई नहीं होता ये मास्क अप्लाई करने के बाद। बट स्टिल मॉइस्चराइजर इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए आफ्टर वॉशिंग ऑफ योर फेस मास्क। अब किन किन स्किन कंसर्न्स के लिए मास्क यूज हो सकता है। अगर आपकी स्किन डल हो गई है और आपको इंस्टेंट ब्राइटनेस चाहिए तो आप ये फेस मास्क यूज करें। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है तो आप ये फेस मास्क यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें ऑरेंज पील पाउडर है। अगर आपकी स्किन काफी टेक्सचर्ड हो रही है या इन्फ्लेमेटेड है और आप अपनी स्किन को सूद करना चाह रहे हैं तो आप ये मास्क अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से टैन हो गई है तो अगेन आप ये फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं। इस मास्क की हेल्प से आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आई होप आज जो मैंने मास्क आपके साथ शेयर किया है ये आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।